सोलन में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर लॉयंस क्लब वैली का इंस्टॉलेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का थीम पूरी तरह से क्रिसमस पर आधारित था। कार्यक्रम में एसपी सोलन मोहित चावला ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इंस्टॉलेशन कार्यक्रम में आगामी वर्ष के लिए डॉक्टर रवि सूद को क्लब का प्रधान चुना गया। इस अवसर पर क्लब द्वारा ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ व उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया। क्लब द्वारा 10 गरीब महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए 10 सिलाई मशीनें वितरित की गई तथा 30 के करीब महिलाओं को घर का राशन व सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल के लिए 2 व्हील चेयर उपलब्ध करवाई गई। क्लब द्वारा गरीब स्कूली बच्चों को कंबल भी वितरित किए गए। कार्यक्रम में क्लब के सदस्यों ने क्रिसमस केक काट कर कार्यक्रम को धूमधाम से भी मनाया। क्लब के नवनियुक्त प्रधान रविकांत सूद ने कहा कि लॉयन क्लब हमेशा से ही सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेता है। उन्होंने कहा कि क्लब द्वारा ट्री प्लांटेशन, ब्लड डोनेशन, स्वच्छता अभियान जैसे कई अभियान चलाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि क्लब हमेशा से ही गरीब जरूरतमंद लोगों की मदद करता आ रहा है। उन्होंने कहा कि यदि किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को किसी भी सहायता की आवश्यकता है तो वे सीधे उनसे संपर्क भी कर सकते हैं। एक प्रधान का एक बहुत बड़ा दायित्व होता है कि वो अपने क्लब के माध्यम से जितने अधिक से अधिक सेवा कार्य करते करे, वो अपने सभी सदस्यों को साथ लेकर जिस तरह से गरीब बच्चों की या गरीब महिलाओं की जो भी उनके लिए जरूरत की चीजें होती हैं वो उपलब्ध करवाने का प्रयास करूंगा। और आने वाले समय में हम शहर के लिए भी बहुत सारे जिस तरह स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य कैंप्स लगाएंगे और ब्लड डोनेशन कैंप्स और भी लगाएंगे और बहुत सारे जितने सेवा के कार्य हैं वो मेरा एक मुख्य उद्देश्य होगा, मेरा ध्येय होगा कि मैं उन सभी अपने सभी टीम के सदस्यों को साथ लेते हुए वो कार्य संपन्न करूं। जो भी जरूरतमंद व्यक्ति हैं वो मुझे संपर्क कर सकता है।